तो जैसा कि आपको बताया कि अगर किसी कंपनी को कंपिटेटिव एडवांटेज पाना है अपने कंपटीटर पे तो उसके लिए उसको या तो कम प्राइस पे ज़्यादा वैल्यू देना होगा कस्टमर को या फिर क्या करना होगा कि ज़्यादा प्राइस पे एक हायर बेनिफिट देना होगा और ऐसा बेनिफिट देना होगा या सर्विस देना होगा जो कि वो जस्टिफाई कर सके हायर प्राइस को एक कंपिटेटिव एडवांटेज इज़ एन एडवांटेज ऑफ ओवर कंपिटिटर्स गेन बाई ऑफरिंग कंज्यूमर ग्रेटर वैल्यू आदर बाई मीन्स ऑफ लोअर प्राइस और बाई प्रोवाइडिंग ग्रेटर बेनिफिट और सर्विस दैट जस्टिफाई हायर प्राइसिस या तो आप कम प्राइस में ज़्यादा वैल्यू दो या फिर आप हायर प्राइस दे रहे हो तो आपका जो बेनिफिट है सर्विस है वो जस्टिफाई होना चाहिए कि आप इस वजह से हायर प्राइस में दे रहे हो यानी कि डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर होगा तो माइकल पॉटन ने इसी के बेसिस पर क्या कि दो जो है माइकल पॉटर डिफाइन द टू वे इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव एडवांटेज ओवर इट्स राइवल्स यानी कि आपके कंपिटेटिव एडवांटेजी आप कैसे एडवांटेज पा सकते हो उसके लिए माइकल पॉटर ने दो तरीके बताए कॉस्ट एडवांटेज एंड डिफ्रेंसिएशन एडवांटेज या तो आप कॉस्ट एडवांटेज कर लीजिए यानी कि कॉस्ट को कम करिए या फिर आप एडवांटेज यानी कि आप आप अपने को एडवांटेजिएट करिए कंपिटीटर से कि आपके जैसा प्रोडक्ट कोई और दूसरा दे ही ना पाए तो यही दो तरीके हैं जहां पर आप एडवांटेज गेन कर सकते हैं अपने कंपिटीटर पर तो ये इन्होंने क्या किया कि स्ट्रेटजी थी यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ग्रिड दे सकते हैं कि अगर मार्केट ब्रॉड है और आप कॉस्ट पे फोकस करते हो यानी कॉस्ट को मिडवाइट करते हो अपने पूरे मार्केट में ब्रॉड मार्केट में तो कॉस्ट लीडरशिप आएगी वहीं पे नैरो मार्केट में यानी कि किसी एक एक सेगमेंट में किसी पर्टिकुलर मार्केट में जो है आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस करते हो तो उसको कहते हैं कॉस्ट फोकस होना इसी तरीके से अगर ब्रॉड मार्केट में यानी कि आप पूरे कंट्री में या फिर डिफरेंट कंट्रीज में जब अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हो अपने कंपटीटर को तो उसको हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन लीडरशिप वहीं पे अगर आप किसी पर्टिकुलर मार्केट में या फिर किसी एक सेगमेंट में जब आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हो तो उसको क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएशन फोकस एक एक करके यहाँ पे देखते हैं तो पहला क्या है पहली चीज़ की फोर स्टडीज यहाँ पे दी गई जो पहला है कॉस्ट लीडरशिप दूसरा है कॉस्ट फोकस तीसरा है डिफ्रेंशिएशन लीडरशिप और चौथा है डिफ्रेंशिएशन फोकस तो मेन यहाँ पे देखिए तीन है कॉस्ट लीडरशिप डिफ्रेंशिएशन लीडरशिप और फोकस स्ट्रेटजी फोकस में कॉस्ट फोकस और डिफ्रेंशिएशन फोकस यानी कि आप फोकस स्ट्रेटजी में, में कॉस्ट पे फोकस कर रहे हो फिर डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजी पर फोकस करें वो मैटर करता है तो कॉस्ट लीडरशिप डिफ्रेंशिएशन लीडरशिप एंड फोकस स्ट्रेटजी फोकस स्ट्रेटजी में कॉस्ट एंड डिफ्रेंशिएशन हम एक एक करके इसको देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है यानी कि कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है तो कॉस्ट लीडरशिप एडवांटेज बिजनेस प्रोवाइड्स द सेम प्रोडक्ट एंड सर्विस एज इट्स कंपिटेटर एट लेसर कॉस्ट देन इट्स नाम क्लियर है कॉस्ट यानी कि आप कॉस्ट में लीड पा रहे हो कैसे कि आपने कम कॉस्ट में सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कम कॉस्ट में आपने सेम सर्विस जो है डेवलप कर लिया सेम प्रोडक्ट आपने बना लिया तो जाहिर सी बात है कि अगर कॉस्ट कम हुई है तो आप उसकी प्राइस भी क्या करोगे कम रखोगे तो आपके कंपटीटर से प्राइस कम रहेगी और सेम सर्विस रहेगा सेम प्रोडक्ट रहेगा तो लोग आपके पास ही प्रोडक्ट जो है परचेज़ करने आएंगे तो कॉस्ट इसको कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना सेम प्रोडक्ट जो आपका कंपटीटर आपको प्रोडक्ट दे रहा है कस्टमर्स को सेल कर रहा है वही प्रोडक्ट आप भी सेल कर रहे हो लेकिन कम प्राइस में कर रहे हो कम प्राइस में तभी आप सेल कर पाओगे जब आपकी कॉस्ट जो उसको प्रोड्यूस करने की है वो कम हो गई तो इसको कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप फॉर एग्जाम्पल हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी आप कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है इसको समझिए तो कॉस्ट को कम करने का तरीका सिंपल सा है कि आप हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी यानी कि आप पूरे लेवल प्रोडक्टिविटी कर रहे हो कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का बार्गेनिंग पावर का यूज़ कर रहे हो निगोसिएट करने के लिए लोवस्ट प्राइस के लिए प्रोडक्शन इनपुट जो सप्लायर से आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं मैनुफैक्चर वो क्या कर रहे हैं उसे सप्लायर से बार्गेन कर रहे हैं तो जब आपको रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाएगा तो बट कहीं ना कहीं बट ऑब बात है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन

लोगों को सर्विसेज दे सकते हो प्रोडक्ट दे सकते हो और जिसकी वजह से आपको जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप तो जैसे कि आप देख सकते हो जियो जियो क्या था कि वो भी टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड रहा था लेकिन कम कॉस्ट में है तो इस वजह से क्या हुआ कि पूरे मार्केट में पूरे इंडिया में अचानक से जो है जियो जो है पूरा डेवलप हुआ और बी क्यों आज भी चल रहा है बी चल रहा है क्यों क्योंकि वो सस्ते प्लान्स दे रहा है प्राइस क्या है उसके कम है लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉस्ट लीडरशिप में कहीं ना कहीं कॉस्ट को लीड नहीं कर पा रहा है कि कम कॉस्ट में वो सर्विसेज नहीं दे पा रहा है सस्ते दे रहा है लेकिन कम कॉस्ट में नहीं दे पा रहा है तो उसकी वजह से बी की कंपनी को नुकसान भी हो रहा है वॉलमार्ट आप चले जाइए वॉलमार्ट बेस्ट प्राइस जो आप सुल्तानपुर रोड में यहाँ पे आप देखते हैं लखनऊ में तो वॉलमार्ट में क्या है वहाँ पे भी आपको जो सप्लायर्स को कम प्राइस में जो है सेम प्रोडक्ट सर्विसेज जो मार्केट में अवेलेबल है वही प्रोडक्ट है लेकिन कम प्राइस में वहाँ पे उसको मिल रहा है तो कॉस्ट लीडरशिप ये पा रहे हैं ठीक इसी तरीके से दूसरा है डिफ्रेंशिएशन लीडरशिप तो डिफ्रेंशिएशन लीडरशिप दम से क्लियर है कि अपने बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को अपने सर्विसेज को कमेटर से एकदम डिफ्रेंशिएट कर दो तो आप उसके लिए अगर डिफ्रेंशिएशन है आपके प्रोडक्ट में आपके सर्विसेज में तो उसके लिए आप हायर प्राइसेस भी चार्ज करोगे तो कस्टमर पे करेगा क्योंकि वैसा प्रोडक्ट कोई और दे ही नहीं रहा है जब सेम प्रोडक्ट कोई और भी दे रहा होगा तो वहाँ पर आपको कॉस्ट लीडरशिप पानी होगी यानी कि आपको कम प्राइस में देना होगा लेकिन जब आपके जैसा कोई प्रोडक्ट दूसरा कोई दे ही नहीं रहा होगा तो पे आप हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो लेकिन अपने प्रोडक्ट को अपनी सर्विस को क्या करना होगा डिफ्रेंशिएट करना होगा वैसा प्रोडक्ट कोई और दे ही ना पाए तो उसको कहते हैं डिफ्रेंशिएशन लीडरशिप एडवांटेज इज ए बिजनेस प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस एज इट्स कंपटीटर तो उसके कंपटीटर से बेटर प्रोडक्ट जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो इस केस में या तो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होगा सुपीरियर होगा आपके फीचर्स उसमें ज़्यादा होंगे बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे ड्यूरेबिलिटी रिलायबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी तो मतलब इन सब के बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के फीचर्स बहुत सारे होंगे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ड्यूरेबिलिटी यानी कि लंबे समय तक चलेगा आपका प्रोडक्ट रिलायबल होगा ब्रांडिंग उसकी होगी कंज्यूमर रिकोगशन होगा ठीक है ब्रांड लॉयल्टी ज्यादा होगी अब डिफरेंशियन लीडरशिप जैसे कि सपोज करें कि आप जो है व्हीकल्स में देखते हैं कार्स में आप स्कॉर्पियो को देख लीजिए ऑडी को देख लीजिए मर्सडीज को देख लीजिए ठीक है और वहीं पे टाटा नैनो को देख लीजिए तो ये सारे कार क्या है आपस में डिफरेंशिएटेड है उनकी फीचर्स उनकी ब्रांडिंग उनकी ड्यूरेबिलिटी उनकी रिलायबिलिटी क्या है सब अलग अलग है वो सब अलग अलग है तो अब वो डिफ्रेंशिएशन है और उसके अकॉर्डिंग वो कस्टमर से प्राइस चार्ज कर सकते हैं तो आपस में कंपीट नहीं कर रहे हैं जिसको जैसा चाहिए वो आपस में परचेज कर सकता है तो वो डिफ्रेंशिएशन लीडरशिप कहलाता है अब बात कर ले फोकस स्ट्रेटजी की तो फोकस स्ट्रेटजी में वही चीज़ें हैं कि आप कॉस्ट फोकस करो कि डिफ्रेंशिएशन फोकस करो अगर आप कॉस्ट फोकस करो यानी कि जो बिजनेस है वो किसी लोअर कॉस्ट एडवांटेज पाना चाहता है किसी एक सेक्टर में किसी एक मार्केट में किसी एक मार्केट

ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको मैं कहते हैं कॉस्ट फोकस वो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में फोकस हो जाते हैं और वहाँ पे कम से कम प्राइस में सर्विसेज देते हैं तो उसको कॉस्ट फोकस कहते हैं और इसे कहते हैं डिफ्रेंशिएशन फोकस स्टर्जी जब आप किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में पर्टिकुलर सेगमेंट में जो है डिफ्रेंशिएट करते हो अपने प्रोडक्ट को तो उसको कहते हैं डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजी कहते हैं ये भी क्या हो गया ये स्मॉल लेवल पर किसी एक पर्टिकुलर मार्केट को आप चूज़ कर लेते हो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को एकदम डिफ्रेंशिएट कर दोगे या फिर कॉस्ट को वहाँ पर कम करके प्राइस कम रखोगे तो ये कॉस्ट या डिफ्रेंशिएशन फोकस स्ट्रेजी ता है तो यही माइकल पॉटर के जेनरिक स्टडीज हैं फॉर कंपिटेटिव एडवांटेज तो या तो आप ब्रॉड लेवल पे बात करें तो कॉस्ट को कम करिए यानी अगर आपने अपने कॉस्ट को कम कर लिया तो सेम प्रोडक्ट सेम सर्विसेज के लिए जो कम्पिटीटर दे रहा है तो फिर आप कॉस्ट लीडरशिप पा जाएंगे कॉस्ट लीडर पा गए तो आपकी प्रा, कम प्राइस में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेच सकते हैं वहीं पर डिफ्रेंशिएशन अगर कॉस्ट नहीं कम कर पा रहे हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना होगा अपने फीचर्स ड्यूरेबिलिटी रिलायबिलिटी जो भी प्रोडक्ट के हैं ऐसा वैसे फीचर्स वैसी ड्यूरेबिलिटी वैसी रिलायबिलिटी कम्पिटीटर ना दे पाए तो अगर आपने ये डिफ्रेंशिएशन कर लिया तो फिर आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं कंपटीशन को जीत सकते हैं या फिर आप फोकस स्ट्रेटी अपना सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर मार्केट में सेगमेंट में आपने फोकस कर लिया उस मार्केट में आपको कम से कम प्राइस में आपको जो है प्रोडक्ट देना है तो यानी कि कॉस्ट फोकस हो गया कॉस्ट कम करेंगे तभी प्राइस कम होगी या फिर आपने किसी पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट पर डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट दिया यानी कि वैसा प्रोडक्ट कोई और उस मार्केट में दे ही नहीं रहा होगा वैसा वैसा प्रोडक्ट तो वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कहलाता है तो दैट इज डिफ्रेंशिएशन फोकस तो ये चार स्ट्रेटजी हैं कॉस्ट लीडरशिप कॉस्ट फोकस लीडरशिप फोकस तो विश यू ऑल द बेस्ट सब्सक्राइब for more videos. Thank you.